नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी 2023 में जनरल टेस्ट का क्या सिलेबस होने वाला है। आप सभी को पता है 2022 में सीयूईटी पहली बार इंप्लीमेंट हुआ, ऐसे में जितने भी सेक्शंस दिए गए थे उसके जो सिलेबस थे वो बच्चों को पढ़ने में भी समस्या आई और शिक्षकों को पढ़ाने में भी समस्या आई, क्योंकि बहुत अच्छे से ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आया था और पहली बार इंप्लीमेंट हुआ था। एनटीए को पेपर कराना था, उन्होंने एग्जाम को भी ठीक से नहीं कराया क्योंकि इतनी जल्दबाजी में डिसीजन लिया गया सीयूईटी का कि उनके लिए पेपर बना पाना और बच्चों को वो पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर पाना दोनों ही पॉसिबल नहीं था। लेकिन 2023 इट मींस कि अब एक साल का एक्सपीरियंस एनटीए को भी हो चुका है और बच्चों को भी आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से वो लोग पेपर देते हैं। आज जो मैं वीडियो देने वाला हूं वो थोड़ा डिफरेंट है। इससे पहले भी मैं जनरल टेस्ट का वीडियो बनाया था 2022 में, लेकिन वहां पे मैंने एक मोटी मोटा उनको एक बस एक फीचर दिया था, एक लाइन दे दिया था, एक रास्ता दिखा दिया था कि आप ऐसे इसको फॉलो करो और फाइनली आप जनरल टेस्ट का प्रिपरेशन कर लोगे। लेकिन आज ऑफिशियल सिलेबस को उठा के उसको मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है, हर एक पॉइंट्स, हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक्स को ला के आपके सामने रखा हूं। करेंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड है, जनरल साइंस, जनरल जीके और साथ साथ एप्टीट्यूड में रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक, एडवांस सब कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप इन वीडियोज को अगर फॉलो करते हो तो मैं बताता हूं कि लगभग 90% से ज्यादा आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाओगे, यानी जो प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसको बूस्ट कर सकते हो। सो बीएचयू पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, बीएचयू पाठशाला का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, आप इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके बीएचयू पाठशाला का जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। यानी जो भी मैं सिलेबस आपको आज बताने वाला हूँ वो पूरा का पूरा सिलेबस बीएचयू पाठशाला पर अवेलेबल है ओनली 999 में, यानी 999 रुपए में आपका पूरा का पूरा सीयूईटी यूजी का सिलेबस हमारे यहाँ अवेलेबल है। जिनको भी ज्वाइन करना है वो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सबसे पहले इनका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। देखो ये सिलेबस जो है ये इनका ऑफिशियल सिलेबस है जो कि इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल रखा है, जिसमें इन्होंने मोटी मोटा चीजों को यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपके पास जीटी में जनरल नॉलेज आएगा। जनरल नॉलेज इन्होंने लिख तो दिया है लेकिन जनरल नॉलेज पूरा एक समंदर है, मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या पढ़ना है। इसी में इन्होंने ऐड कर दिया है करंट अफेयर्स, इन दोनों को ध्यान देना है कि इन्होंने एक साथ रखा है, ठीक है, आप यहां पे देख सकते हो कि ये पॉइंट है। सेकेंड ये बोल रहे हैं यहां पे कि जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी ये इनका एक सेकेंड पॉइंट है, ठीक है। थर्ड पॉइंट बोल रहे हैं कि रीजनिंग, लेकिन इन्होंने रीजनिंग में कई सब सेक्शन डिवाइड किया। इसमें क्या बोल रहे हैं, सिंपल अप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर यहां पे इन्होंने अर्थमेटिक भी डाल दिया है, अलजेब्रा भी डाल दिया है, ज्योमेट्री भी डाल दिया है, मेंसुरेशन भी डाल दिया और स्टैटिस्टिक्स की बात भी कर रहे हैं। और इन्होंने जो चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट था, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट था, लास्ट में जो इन्होंने फोर्थ पॉइंट डाला है उन्होंने लिखा है कि लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये टोटल इन्होंने फोर पॉइंट्स ऑफिशियली आपके सामने रखा है एज अ जनरल टेस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीटी कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन किया हूं। सबसे पहले हम लोग इनका पहला पॉइंट उठाते हैं जिसको ये बोलते हैं कि जनरल नॉलेज में क्या क्या आएगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जीके। ओके, अब जीके का सिलेबस मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक जो कि लगभग हर एक बच्चों को बेसिकली प्रिपेयर होना चाहिए और दूसरा जो कि आपको क्या करना है, रिसर्च करके टॉपिक्स निकालने हैं और स्टडी करना है। मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में कोई स्किप नहीं करेगा। अभी इतने बेहतरीन बेहतरीन पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जो कि जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। पहला यहाँ पे मैं बोला हूँ यहाँ पे हिस्ट्री, ठीक है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कि सर हिस्ट्री का नाम तो आपने ले लिया लेकिन ये हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है, इसमें आपका एंशियंट आएगा, इसमें आपका मिडावल आएगा, इसमें आपका मॉडर्न आएगा, साथ ही साथ कुछ थोड़े हद तक वर्ल्ड हिस्ट्री, थोड़े हद तक रशियन रिवोल्यूशन, कुछ पॉइंट्स बस ध्यान देना, मैं आपको बताऊंगा, ध्यान देना, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब एंशियंट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि इंडस वैली, वैदिक, मौर्य डायनेस्टी, जैन, बौद्ध, बस उससे ज्यादा नहीं। हम लोग मिडावल देखते हैं, मिडावल में क्या, मुगल एम्पायर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लास्ट में हमारा मॉडर्न, ठीक है।
मॉडर्न में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा देश आजाद हो रहा है और सबसे ज्यादा रिटेन हिस्ट्री जो है वो हमारे पास मॉडर्न का अवेलेबल है, क्योंकि ये सबसे नजदीक में हमारे इतिहास है। तो यहां से गांधीयन युग यानी जो गांधीयन एरा है और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारा देश आजाद हो रहा है उसके लिए जितने भी मूवमेंट चलाए गए थे वो सब आप इसमें पढ़ोगे, ठीक है। बेसिकली लगभग आप इससे 10 लेक्चर अगर पढ़ लेते हो मेरे यहां तो आपका ये पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखो इसका जो सिलेबस है वो करेंट अफेयर्स भी थोड़ा टच करेगा और एज अ जीके भी टच करेगा, और जो मैं इसका एक सेकंड पोर्शन बताया हूं कि आपको रिसर्च करके ढूंढना है वो भी इसमें टच करेगा। लेकिन यहां पे मैंने जो ज्योग्राफी लिखा है वो बेसिक ज्योग्राफी की बात किया हूं, जैसे कि सोलर सिस्टम, यूनिवर्स, सॉयल, ये जो कुछ पॉइंट्स आते हैं वो बेसिक ज्योग्राफी के जो कि ऑलरेडी ऐप पे अवेलेबल हैं, या फिर आप बोलोगे तो मैं इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा किसी वीडियो में। अभी मैं बात कर रहा हूं कि बेसिक हिस्ट्री एंड बेसिक ज्योग्राफी, ठीक है। बेसिक पॉलिटी यानी एक स्टूडेंट को बेसिक पॉलिटी का जो नॉलेज होना चाहिए, जैसे पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, साथ ही साथ हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, ये जो कुछ हैं, अमेंडमेंट कुछ, ये सब आपको बेसिक पॉलिटी में पढ़ना है। इकोनॉमिक्स, बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बहुत डीप नहीं पढ़ना है। ध्यान देना इन सब को मिला के आपके मैक्सिमम 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं, समझ में आया। ये पूरे जीके का मैं बात कर रहा हूं। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग चलते हैं। इन माय व्यूज मैं आपको बता दिया कि मैंने जीके को दो पार्ट में रखा, एक बेसिक जीके और एक रिसर्च बेस्ड जीके, जिसमें मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको आर्ट्स एंड कल्चर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स मिलते हैं वो स्टडी करने हैं। दूसरा, फेमस प्लेसेस, चाहे इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, मैक्सिमम फोकस करना है कि इंडिया में जो फेमस प्लेसेस हैं, जैसे कि बहुत फेमस में हम लोग बात कर सकते हैं आपका ताजमहल, ठीक है। उसके साथ साथ जितने भी मुगल डायनेस्टी ने बनवाए हुए मकबरे हैं उनसे रिलेटेड, या उन्होंने कोई इमारत बनवाया है, बहुत जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, इमामबाड़ा, ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे पढ़ना है फेमस प्लेसेस के बारे में, ठीक है। यहाँ ऊपर भी हम लोग देख लेते हैं, फेमस डेज, जो भी दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, इस दिवस में भी मैं कैटेगराइज कर दे रहा हूं आपको। सबसे ज्यादा आपको पढ़ना है जो वुमेन बेस्ड डेज होते हैं वो आपको पढ़ने हैं। कैपिटल्स, इस दरमियान लगभग जो फेमस कुछ कंट्रीज हुए हैं, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ, किस कंट्री में हुआ, तो उसका कैपिटल, साथ ही साथ अपने स्टेट में, अपने कंट्री में जो स्टेट्स हैं उनके कैपिटल जो किसी रीजन से फेमस हुआ है। बाकी आपको लगभग अपने देश के जितने भी स्टेट के कैपिटल वो तो याद होने ही चाहिए, साथ साथ हमारे कुछ नेबर कंट्रीज जो हैं उनके स्टेट्स याद होने चाहिए, ठीक है, कैपिटल्स याद होने चाहिए। फेमस प्लेसेज हो गया। डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, जितने भी इस दरमियान या पुराने भी जो डिस्कवरीज हैं जो फेमस हैं उनका आपको नाम याद होना चाहिए। स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन यानी खेल से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यानी कि पूछ लेगा कि कितने प्लेयर हैं, ये अवार्ड्स किस खेल से संबंधित है, ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ये खेल में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड की साइज क्या होती है, ये तमाम चीजें जो है वो स्पोर्ट्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इन दिनों हमारी महिला क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, उनके नाम ध्यान देना, उनके प्लेयर नेम भी याद कर लेना, उनके कैप्टन, उनके जो कैप्टन है वो याद कर लेना, और साथ ही साथ कुछ नए नए स्टेडियम बने हैं, सबसे बड़ा स्टेडियम भी अपने ही देश में हो गया है, तो ये स्टेडियम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जितने भी क्रिकेट स्टेडियम है साथ ही साथ अदर स्पोर्ट्स के जो स्टेडियम है वो आपको यहाँ पे याद करना पड़ेगा। रिवर्स, नदियां, चाहे वो गंगा नदी के जितने भी ट्रिब्यूटरी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स हैं, चाहे इंडस के जो रिवर्स हैं, चाहे हमारे साउथ इंडिया के रिवर्स हैं, ये तीनों नदी तंत्र के पूरे रिवर्स जो हैं वो याद करने हैं, वो कहाँ गिरती हैं, कहाँ से उनका उद्गम स्थल है, ये आपको याद करना है, ठीक है। लेक्स एंड सीज, ध्यान देना कुछ ऐसे लेक्स बहुत फेमस हैं इंडिया के ही, वो आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ जो पूरे हमारे मैप में सागर और महासागर है वो आपको याद रखना है कि लगभग वो
किस कॉन्टिनेंट के आसपास है, साथ ही साथ हमारे देश के अगल बगल कौन सा सागर महासागर स्थित है, ये आपको ध्यान देना है। ये मोटी मोटा चीज है, ठीक है। बुक्स, यहां पे जितने भी फेमस बुक्स राइटर ऑथर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा समझ लो कि लिटरेचर से रिलेटेड, यानी एंशियंट लिटरेचर से लेके मॉडर्न तक, जैसे मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत फेमस है। अब हम लोग बहुत एंशियंट में चले जाएं, कालिदास के लिखे हुए कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं या महाग्रंथ हैं जो कि पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा, अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे जो कि बहुत आप देखोगे बीएचयू पाठशाला की कम्युनिटी में बहुत सारे बुक्स के नाम पूछे हुए हैं किसने लिखा हुआ है, तो आपको वो फॉलो करना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने एक लास्ट में लिखा हुआ है साइंस, यानी इसी जीके में साइंस के भी क्वेश्चन आएंगे। अब साइंस में क्या आएगा, अब ध्यान से सुन लो। सबसे पहले साइंस में हमेशा बेसिक साइंस आता है। अगर इन्होंने थोड़ा बेसिक साइंस को ऊपर ले जाने की कोशिश की तो बहुत करेंगे तो यूनिट्स पूछ सकते हैं, जैसे फिजिक्स में कुछ क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं। लेकिन अगर वो जनरलाइज साइंस के क्वेश्चन पूछते हैं तो अप्लीकेशन बेस्ड साइंस पूछ सकते हैं, जैसे ह्यूमन आइज हो गया, या बायो में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, विटामिन हो गया बहुत फेमस है, साथ ही साथ केमिस्ट्री के कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही क्या है, बहुत डीपली नहीं पूछेगा, जो हम लोग बहुत अक्सर सुने होंगे, जैसे कि आपका एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी, या फिर आपका केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, या फिर आपका पूछ दिया इस टाइप के क्वेश्चन। मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि रात के समय हमारी आवाज जो है गर्मियों में दूर तक जाती है ठंडियों की अपेक्षा, अप्लीकेशन बेस्ड, या फिर कपड़े जो होते हैं वो दिन में जल्दी सूख जाते हैं रात में, इस टाइप के क्वेश्चन जो अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। या दूध का फटना कौन सा रिएक्शन है, कागज का जलना या कागज का फाड़ना। अगर हम लोग विटामिन की बात करें तो उसके केमिकल नेम्स, सोर्स ऑफ विटामिन, उसके गुड सोर्स कौन सा है, कौन सा एसिड पाया जाता है, कुछ इसी में इन्वेंशन भी पूछ सकते हैं लोग। ये सब जो पॉइंट्स हैं कहीं ना कहीं साइंस में पूछे जाएंगे। इसके बाद ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे पुराना, सबसे नया, सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे ऊंचा, समझ रहे हो ना, ओल्डेस्ट, लॉन्गेस्ट, फर्स्ट, लास्ट, सुना होगा ये सब, लूसेंट में आता है। ये पूरी एक पेज है, वहां पे पूरा रट जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन यहां से एज जी के फंस जाते हैं। क्रॉप्स, हमारे देश में कितने वैरायटी जो हैं फसलें लगाई जाती हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कि किस सीजन में लगाए जाते हैं, उनका महीना है कौन सा बोया जाने वाला, उनका क्रॉपिंग जो है वो कौन सा महीना है, या फिर ये पूछ लेगा कि हमारे यहाँ कौन सा जायद की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, कौन रबी की फसल है, एग्जाम्पल पूछेगा। इसको थोड़ा सा ये लोग घुमा के भी पूछ सकते हैं कि कपास सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कॉफ़ी हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, चाय का उत्पादन कहाँ होता है, दूध सबसे अच्छा स्टेट किस स्टेट में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, या फिर पूछ सकते हैं कि नगदी फसलें कौन कौन सी है, या फिर पूछ देगा कि इन चार एग्जाम्पल में कौन सा अलग है। देखो ये भी एक तरीका होता है, रीजनिंग बना दिए इसको, उन्होंने चार एग्जाम्पल दे दिया इसमें कौन सी फसल अलग है, तो आप हो सकता है कि सीजन या क्रॉप बेसिस पे उसको क्या कट मारोगे, ठीक है। फॉरेस्ट, हमारे देश में किस क्षेत्र में कौन सा जंगल पाया जाता है, इसी पे यहां पे फॉरेस्ट के साथ आप ग्रासलैंड भी ध्यान देना, ठीक है। ग्रासलैंड सुना होगा ना, प्रेरी ये सब सुना है, तो ग्रासलैंड कौन सी क्वांटिटी है, कौन से देश में कहां पाया जाता है, कौन सा ग्रासलैंड के लिए फेमस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एब्रीविएशन, फुल फॉर्म, बहुत इजी वाला जो बहुत फेमस हुआ है, सबसे ज्यादा उन एब्रीविएशन को फोकस करना है जो किसी न किसी इवेंट में मोदी जी ने अपने मुंह से बोला है, उन सभी एब्रीविएशन को नोट कर लेना और आराम से प्रिपेयर कर लेना। योजना, चाहे स्टेट के हो चाहे सेंटर के, सबसे ज्यादा हम लोग को सेंटर के प्रोग्राम्स को फोकस करना है, और कुछ फेमस स्टेट के प्रोग्राम, खासकर यूपी के तो हर एक प्रोग्राम को लगभग देख लेना, सबसे ज्यादा फोकस करना है स्टेट सेंटर को, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जनरल मैथ्स पे आ गए,
ध्यान देना, अभी मैंने जीके में जितना पॉइंट बताया है, हो सकता है इसका एक मैं वीडियो और बनाऊं तो उसमें और चीजें समझाऊं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें समझानी है। जनरल मैथ में हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेसिमल, डेसिमल्स क्वेश्चन, और यहाँ पे है रेशियो, परसेंटेज, डेसिमल, रेशियो। ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जो कि लगभग बेसिक मैथ से आते ही आते हैं एज ए जीटी में, ठीक है। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नंबर सिस्टम इसको तो प्रिपेयर कर लेना क्योंकि नंबर सिस्टम एज अ रीजनिंग भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। यही नंबर सिस्टम में आपका बोर्ड मार्क्स भी क्लियर हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन भी लगभग क्लियर हो जाएगा, डिविजिबिलिटी भी आपका क्लियर हो जाएगा, जीरो, बहुत सारी चीजें जो है वो नंबर सिस्टम में ही आप पढ़ लोगे। उसके बाद यहाँ पे एवरेज है, ये वाला आप देख रहे होगे, इसका मतलब मैंने सिमलाइज करके लिखा हुआ है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जीटी में आपके बेसिक मैथमेटिक्स। देखो मैथमेटिक्स जो होता है वो यहाँ पे एज अ कंपटीशन लेवल पे देखा जाए तो टू पार्ट में है, पहला है अर्थमेटिक्स मैथ, दूसरा है एडवांस मैथ, ठीक है। तो ये मैंने दोनों को मिलाकर जनरलाइज मैथ बनाया है क्योंकि इन्होंने जो स्टार्टिंग में ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसमें झूठ का घुमा फिरा के लिखा हुआ है, उसको कुछ हम लोग अलग ले जाकर नहीं देख सकते, उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लगभग एक जैसे मिक्स होकर आते हैं, इसीलिए मैंने जनरल मैथ और जनरल रीजनिंग का नाम दिया है यहां पर, ध्यान देना। टाइम एंड वर्क, अब टाइम एंड वर्क मैंने लिख दिया, इसी में बहुत सारा है, वर्क एंड टाइम भी हो सकता है, इसी से रिलेटेड एक है डिस्टेंस एंड टाइम, इसी से है एक जिसको हम लोग सुनते हैं क्या नल टंकी, ये एक पढ़ लोगे टाइम एंड वर्क, उसी से बाकी चीजें निकल के आ जाती हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है, यहीं पे आपका एसआई एंड सीआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है लेकिन बस फॉर्मूला बेस्ड आपको पढ़ना है। एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है, बहुत बेसिक, डीप नहीं जाना है। सिंप्लीफिकेशन ये नंबर सिस्टम में पढ़ लेना या अलग से आप इसको यूज कर सकते हो। मेंसुरेशन फॉर्मूला रट लेना बेसिकली, चाहे आपके स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है, सर्कल हो, हेमिस्फेयर हो, ट्रेपेजियम हो, इन सब के फॉर्मूला बेसिकली आप रट लेना, ठीक है, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप इसको सॉल्व कर सको। उसके बाद यहां पे मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसी के आगे आप एलजेब्रा भी लिख लेना, इसी में चाहो तो आप ज्योमेट्री भी लिख लेना थोड़ा सा, ठीक है। मैं बाकी इसको बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें डीप में किस लेवल तक के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, हाँ, लेकिन आप कमेंट कर देना कि हाँ सर इसकी नीड है आपको, ठीक है। अब लॉजिकल रीजनिंग या जनरल रीजनिंग का हम लोग कुछ चैप्टर देखते हैं। सबसे पहला है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो अल्फा बेस्ड नंबर से रिलेटेड सीरीज होते हैं उसमें बेसिकली एक सीक्वेंस आपको नोटिस करना होता है और उसी से आपके आंसर निकल के आते हैं। इसी का एक दूसरा फॉर्मेट है नंबर बेस्ड जो सीरीज होती है, उसमें अल्फाबेटिकल रहेगा, इसमें बस नंबर रहेंगे, उस सीरीज को आपको पकड़ना रहता है, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखते हैं, ये है ब्लड रिलेशन, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है रीजनिंग का चैप्टर। ब्लड रिलेशन आप बेसिकली एग्जाम में अगर नहीं भी पढ़े हो तो जब भी क्वेश्चन आए खुद को वहां पे एज्यूम किया करो और अपने रिश्तेदारों में ही उसको काउंट करोगे तो उसका आंसर जल्दी निकल जाएगा। कैलेंडर, देखो कैलेंडर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं पता रहेगा। ब्लड रिलेशन तो एक बार दिमाग लगा लोगे, कैलेंडर, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, एक बार इन सब चीजों को पढ़ना पड़ेगा। क्यूब्स एंड क्यूबाइड, बेसिकली इसमें क्या होता है, इसको कितनी बार काटोगे, मैंने तीन बार काट दिया आप कितने क्यूब बनेंगे, कितने क्यूबाइड बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। डिसीजन मेक, देखो यह एनटीए का फेवरेट चैप्टर है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इसमें आपको कंडीशंस दिए जाते हैं। डायरेक्शन ये भी पढ़ना पड़ेगा, बेसिकली मैं उस डायरेक्शन वगैरह के सॉल्व करना क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि बहुत हार्ड नहीं है, आप इसलिए इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि रीजनिंग है बेसिकली, ये सब दिमाग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इमेज है जिसमें क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर का देखो इमेज जो फॉर्मेशन है उसका अलग कॉन्सेप्ट है और हम लोग देखा जाए वाटर में तो उसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैं बोला कि वाटर और मिरर दोनों के इमेजेस अलग अलग आपको पढ़ने हैं। साथ में आगे हम लोग देखते हैं पेपर फोल्डिंग, देखो मैंने वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों को एक साथ जोड़ के बताया, ठीक है। पेपर फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिकली आपको फिगर देके क्वेश्चन पूछेगा। ऑर्डर रैंकिंग, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से जो क्वेश्चन उठाए जाएंगे इस चैप्टर से वो थोड़ा सा आपको एक बार ससरी नजर से इस चैप्टर को देख लोगे तो जल्दी आप बना पाओगे,
सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट में जनरली राधा के बगल में श्याम, श्याम बगल में राकेश, राकेश के बीच में और राधा के बगल में ये लड़का था, तो फाइनली बताइए कि राकेश के बगल में कौन। इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको क्या करते हैं, कन्फ्यूज करने की कोशिश करते हैं और आपको आंसर निकालना रहेगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ठीक है, ये देखो ये तीनों के चारों पॉइंट जो हैं ये सबसे ज्यादा, और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कहाँ गया, एक मिनट, ज्यादा कर दिया क्या, हाँ ये है डिसीजन मेकिंग। ये इतने सारे जो हैं ये एनटीए के सबसे फेवरेट चैप्टर्स है, सबसे ज्यादा 2022 में यहीं से क्वेश्चन फंसाए गए थे, तो बेसिकली इन सब की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा। आप लेकिन कमेंट कर देना कि सर हाँ इसकी जरूरत है। अब देखो आपने एक चीज नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में कि यहां पे हम लोगों ने देखा था कि यहां पे करेंट अफेयर्स भी है, ठीक है, लेकिन मैंने करेंट अफेयर्स अभी आपको नहीं बताया, तो करेंट अफेयर्स के लिए मैंने यहां पे देखो पूरे पॉइंट्स नोट किया हुआ है ये, ठीक है, अभी आगे पूरा स्लाइड है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर रहा हूं, इसलिए मैं अलग कवर कर रहा हूं क्योंकि करंट अफेयर्स फिर एक तरह से जीके पूरा मेरे लिए समझ में आने लगा कि हाँ यार इसको तो पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा। सो फाइनली करंट अफेयर्स का वीडियो जस्ट इस वीडियो के बाद जाएगा, बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे कि मैं आपको लैंग्वेज डोमेन वन बाय वन करके जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो इन सभी सीरीज को आप फॉलो कर सको। बीएचयू पाठशाला को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोर्स ज्वाइन करने के लिए मैं आपको फिर से नंबर यहां पर नोट कर देता हूं, ठीक है, और आप लोग जरूर से जरूर कोर्स ज्वाइन करें, ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रिपरेशन हो सके। मुस्कुराते रहें, बीएचयू पाठशाला देखते रहें, बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि करंट अफेयर्स सीयूईटी में कहां से कितना आएगा और हमें कहां से कंटेंट उठाने हैं, कितना पढ़ना है, तमाम बातें जो हैं वो हम लोग कमिंग वीडियोज सीयूईटी के करंट अफेयर्स में देखेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव।